छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह जनता के रिपोर्ट कार्ड में पास हो चुके हैं। वहीं बीजेपी की मोनिका बट्टी को जनता ने फेल कर दिया है। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की मोनिका बट्टी एक ही दिन में बीजेपी में शामिल होती है और तुरंत उनको टिकट मिल जाता है। सिंगल नाम की लिस्ट जारी हुई थी प्रत्याशी की, मोनिका बट्टी के नाम पर टिकट दिया गया था। बीजेपी ने इन पर दांव खेला था मगर वो दांव उलट पड़ गया और कमलेश प्रताप शाह को जनता ने अपने रिपोर्ट कार्ड में पास कर दिया। अदीप क्या कहेंगे? जी हाँ, सभी की निगाह बनी हुई थी अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर। भाजपा को लगता था कि वो कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी कर लेगी, पर इस मुकाबले में कमलेश प्रताप शाह ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा में, और मोनिका शाह बट्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, साथ में बीजेपी के लिए भी ये बड़ा झटका है। बिल्कुल, कमलनाथ के किले में सेंध करना बीजेपी के लिए आसान नहीं हुआ, फेल हो गए। और मोनिका बट्टी फेल होने के बाद अब गोंडवाना अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी में वापसी करेंगी या बीजेपी में बनी रहेंगी, यह बात का विषय है। फिलहाल जनता के रिपोर्ट कार्ड में कमलेश प्रताप शाह कांग्रेस से पास हो चुके हैं, वहीं मोनिका बट्टी फेल हो गई है। लगातार जनता के रिपोर्ट कार्ड में हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।